नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। 67 बीपीएससी यानी कि 67वीं बीपीएससी परीक्षा अब कब होगी? अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी नोटिफिकेशन किसी भी डेट का नहीं निकाला गया है, लेकिन कई सारी जो न्यूज़ मिल रही है, प्लस वहाँ के जो मुख्यमंत्री जी का भी जो बयान है कि ये वन डे वन शिफ्ट होगा, ये बयान तो आया, लेकिन ये नहीं आया अभी तक कि वो 21 सितंबर को ही होगा। हालांकि कई जगह यही खबर चल रही है कि 21 सितंबर को ही होगा। इसमें एक चीज़ और है कि अभी जैसे कई सारे लोगों ने जो आंदोलन किया था बीपीएससी के लिए ही कि भैया वन डे वन शिफ्ट हो, अब उसमें बिहार से भी आंदोलन हुआ था और दिल्ली से भी हुआ था, लेकिन अभी कई लोग कह रहे हैं कि भैया वो 21 को ही मान के जो करना चाहिए, वो तो ठीक बात है कि आप पढ़ाई करते रहिए, लास्ट के जितने भी दिन बचे हैं आप इतने दिन से पढ़ ही तो रहोगे, ये भी लॉजिक ठीक है कि आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। लास्ट के लिए कुछ अभी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा क्या क्या पढ़ सकते हैं, लेकिन एक चीज़ भी ये भी है कि दिल्ली में भी आंदोलन जब हुआ था तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था, क्योंकि मीडिया ने फिर और कवरेज करना चालू कर दिया था कि हाँ बिहार के स्तर पर तो था ही, लेकिन वो दिल्ली तक बात पहुंच गई थी। इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने तुरंत एक्शन लेके ये टू शिफ्ट वाला जो था ना परसेंटाइल सिस्टम तुरंत हटा दिया था। तो ये वाली चीज़ तो नहीं ठीक है कि मतलब वहाँ पे मतलब निकल गया तो अब जिनका यूपीएससी मेंस है वो लोग भाड़ में जाएं, ऐसी बात तो नहीं करनी चाहिए। मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे रियायत उन स्टूडेंट को भी मिलनी चाहिए जिनका यूपीएससी मेंस भी है, प्लस और कोई एग्जाम भी यहाँ पे ओवरलैप हो रहे हैं, ये भी फिर तर्क आ जाएगा कि भैया कोई ना कोई तो एग्जाम ओवरलैप होगा, लेकिन ये बड़े एग्जाम है। बिहार के जो स्टूडेंट हैं कई सारे लोग यूपीएससी में भी बैठते हैं, बीपीएससी में भी बैठते हैं, तो जब इतना पोस्टपोन हो ही चुका है तो 10-15 दिन और कर सकते हैं, कम से कम जो यूपीएससी वाला और यूपीपीएससी वाला एग्जाम हो जाए उसके बाद बीपीएससी जस्ट बाद रख ली जाए चाहे तो एक दो दिन बाद। ये वाली डिमांड जरूर आयोग को सुननी चाहिए, सरकार को भी। आप लोग को क्या लगता है जल्दी से कमेंट करके बताइए। और एक चीज़ और है कि भैया पढ़ाई तो करते रहिए, ये बात बिल्कुल सत्य भी है, लॉजिकल भी है। लास्ट के लिए अभी आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा पैटर्न चेंज भी कर रहा है बीपीएससी आयोग, जो लेटेस्ट एएओ वाला जो पेपर आया था उससे कई सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, करंट बड़ा लेटेस्ट पूछने लगे हैं, तो इस बार ध्यान रखिएगा। बिहार इकोनॉमिक सर्वे लेटेस्ट वाला भी पढ़ लीजिएगा, बजट भी लेटेस्ट वाला और केंद्रीय बजट भी, और करंट अफेयर भी मेरे हिसाब से आप लोग को अगस्त तक का कवर कर लेना चाहिए, अगस्त 2022 तक का, ठीक है। बाकी अगर कट ऑफ निकालना है बीपीएससी के लिए तो आप ये समझ लीजिए चार चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा, करंट अफेयर ठीक से करना पड़ेगा, मेरे हिसाब से यहाँ पे सेफ साइड रहना चाहिए आपको, एटलीस्ट अक्टूबर 2020 से लेके अगस्त 2022 तक का इंपॉर्टेंट वाला जितना भी हो करना चाहिए, थोड़ा लंबा है लेकिन जब परीक्षा बार बार टलती है तो स्टूडेंट का लॉस होता है। और बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी दोनों पढ़ने चाहिए, इस बार का भी और पिछली बार का भी, क्योंकि देखिए ये होता है कि जैसे अभी नोटिफिकेशन आया था पिछली बार सितंबर में 2021 में, तो उससे पहले का भी लगभग 7-8-9 महीने या 1 साल तक का पूछ लेते हैं वो लोग, ठीक है। तो पेपर पहले था वो तो कैंसिल हो गया, क्या पता फिर उनमें से कुछ क्वेश्चन जो है फिर से दे दिए जाए, अभी किसी को एग्जैक्टली नहीं पता है। और या फिर जो है आयोग के अध्यक्ष जी क्योंकि अपने दिल पे ले लिए वो बात कि स्टूडेंट से मैं कहीं से हार गया तो अब तो मैं 21 को ही कराऊंगा और इतना टफ पेपर बनाऊंगा कि सबकी बिल्कुल हवा टाइट हो जाए, वाली बात भी हो सकती है यहाँ पे। तो इसलिए लेटेस्ट वाला भी पढ़ लीजिएगा, करंट अफेयर में इतना पढ़ना पड़ेगा, करंट साइंस हिस्ट्री ये वाली तीन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करिएगा। बिहार स्पेशल भी देख लीजिएगा, मैथ के भी सवाल आते हैं, 10 सवाल आते हैं 10 नंबर के, एक बार देख लीजिएगा। पीवाईक्यू भी चाहे तो पीवाईक्यू ही देख लीजिए, मैथ्स के उतना भी काफ़ी होता है। ज्योग्राफी में चुनिंदा नोट्स आप पढ़ सकते हैं, कंपाइलेशन और लिस्टिंग का पापा वीडियो देख सकते हैं, साइंस में भी कंपाइलेशन लिस्टिंग का पापा वीडियो जरूर देख लीजिएगा, बहुत फायदा करेगा, पैटर्न चेंज हो रहा है, जितना पीसेस के लिए जरूरी उतना ही है। वो सारे वीडियो में अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और पिन कमेंट में भी। करंट अफेयर के लिए मैंने बता दिया सारा, हमने दे रखा है ऑलरेडी पेड ग्रुप में, हमने उसकी कंपाइल्ड पीडीएफ भी दे दी टोटल एक सिंगल, ठीक है। तो ये चार सेक्शन पे जरूर आपको फोकस करना चाहिए। पॉलिटी में चुनिंदा लिस्टिंग्स को आप जरूर देख सकते हैं, जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट ड्यूटी हो गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो गए, पार्ट्स हो गए, ये जो मतलब बेसिक फैक्ट्स हैं, ये लिस्टिंग पापा वीडियो अगर आप देख लेंगे पार्ट 1 पार्ट 2 तो काफ़ी रहेगा पॉलिटी के लिए, उतना सफिशियंट है, मतलब इतनी चीज़ें जरूर करनी चाहिए। शॉर्ट नोट भी हैं हमारे, आप चाहें तो हमारे जो कॉलिंग नंबर है उन पर कॉल करके आप ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट है जय। मेरे हिसाब से तो जैसे दिल्ली वालों ने बिहार वालों को सपोर्ट किया था तो बिहार वालों को भी करना चाहिए वाली डिमांड, ये वाली बात ठीक नहीं है, फिर लोग जो है आपको भी सपोर्ट नहीं करेंगे, इसमें इतना स्वार्थी होने की जरूरत नहीं। सारे स्टूडेंट को कंपटीशन करना है वो बात अलग है, वो आप एग्जाम देते हो आप लोग कम्पीट करते हो, लेकिन जब एक कॉमन इशू होता है ना तो सबको यूनाइट होकर रहना चाहिए, तभी तो सरकार को आप लोगों ने हराया, वापस जो है एक तरह से डिसीजन लेना पड़ा आयोग को, तो ये बहुत बड़ी जीत थी। अब एग्ज़ाम कब होगा उसके लिए तो खैर कन्फ्यूजन हो गई, लेकिन आपस में एक दूसरे की यूनिटी जरूर बना के रखिए, और मेरे हिसाब से थोड़ा पोस्टपोन होना चाहिए। बाकी ऑल द बेस्ट है आप लोगों को, फ्री पिक जरूर देखते रहिएगा हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में, चैनल आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का चैनल है, इसमें कई सारी पिक्स हमने पहले भी दी हैं, अभी भी हम लोग रिवीजन जरूर कराएंगे, अगर आप लोग बोलेंगे तो तुरंत ज्वाइन कर लीजिए इसको।